मरायम सीता समारो पिटवाम भागम मारो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। मैं वाल्मीकि राम लक्ष्मण सीता को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। मेरा भी प्रणाम महात्मा। आइए प्रभु बैठिए। आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सारे कालों को भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं। देखिए कमला शंकर वन यात्रा पर आए हुए हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। यह संसार आपके हाथों में गेंद के समान है। हे महात्मा, आप कृपा करके हमें वह स्थान बताइए, वह जगह बताइए जिस जगह पर हम अनु लक्ष्मण भार्या सीता के साथ कुछ दिनों के लिए निवास कर सके, यही हम आपसे विनती कर रहे हैं। आइए प्रभु, मैं आपको स्थान बताता हूँ, पधारिए। मधुर अमीर सभोरी सुनो राम कहूँ निकेता जहाँ बसो सिय लखन समेता। परमात्मा से राम, आपने मुझ वाल्मीकि से पूछा कि वाल्मीकि महाराज बताएं कि मैं रहूं कहां। उचित प्रश्न आपका, लेकिन मैं भी हाथ जोड़कर आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस त्रिलोक में ऐसी कौन सी जगह है जहां श्री राम का निवास ना हो। तो श्री राम हमें कृपा कर ये बताएं कि हम यह स्थान आपको बताएं कि उस स्थान पे आप नहीं हैं। बोलिए। होने के चलते समाना कथा कुमारी सुभग शरणाना। हे श्री राम, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें जिनके काल जिनके श्रवण हैं ये समुद्र के समान हो। कितनी भी वर्षा होती है, प्रलयकार की वर्षा आती है, सारा जल समुद्र में जाके समा जाता है, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता है, उसमें कोई उबाल नहीं आता है। तो जिसके श्रवण समुद्र के समान हो, आपकी जो कथा है, आपके जो नाम है, ये सरिता के समान हो। हे श्री राम, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करें। भरे ही नहीं पर हो ही न पूरे इनके ही तुम कहो भरे। हे श्री राम, जो निरंतर संसार के व्यक्ति आपकी कथा करते हैं, आपके गुणवादों को ग्रहण करते हैं, आपके नाम का स्मरण करते हैं, कितना भी भजन करें, लेकिन उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती है। उनके मन में ये लगे कि अभी भक्ति हमारी अधूरी है। हे श्री राम, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। लोचन चातक दिल कर राखे रहे दरस जलधर अभिलाषे। इस तरह से पंछी पंछी किस तरह से भक्ति में लीन रहते हैं संसार के प्राणी, उसी तरह से सरिता के समान आपकी जो भक्ति है समुद्र के समान, ऐसे जो आपके भक्त हैं, हे श्री राम, आप उनके अंदर आत्मा में निवास करो। निधर ही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। हे श्री राम,
संसारिक प्राणी जीवन के जीने के पर्यंत संसारिक सुख भोगते हुए आपकी जो स्थिति अपने समाज को लेकर अपने परिवार को लेकर जो संसार के लोग राम नाम का दो अक्षर का महामंत्र उच्चारण करते हैं, ऐसे जो सामाजिक लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों के हृदय में आप निवास करो। जिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधुसिय सह रघुनायक। माता सीता अनुज लक्ष्मण ऐसे जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक परंपरा का निभाए करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ में हमेशा लीन रहते हैं, हे श्री राम अपने अनुज माता सीता के साथ उन व्यक्तियों की अंदर आत्मा में आप निवास करो, वहाँ आपका स्थान है। जस तुम्हारे मानस विमल हंस नदी राजा सुख ताल गुण गण तुम राम बसहुपास। हंस के समान हंस बस भक्ति कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है। ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो संसारिक जीवन में लिप्त है, लोग भक्ति करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, राम नाम की माला का जाप करते हैं, हे श्री राम आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। करमित करही राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। अंदर आत्मा में जिन्होंने राम को अपना स्थान बनाया है, संसारिक क्रियाओं में लिप्त रहने के पश्चात भी जो राम को अपना इष्ट बनाया है, जो राम को सर्वोपरि बनाया है, जो संसार में राम में हो गया है, हे श्री राम मैं वाल्मीकि आपसे यही कहूंगा, ऐसे जो भक्ति संसार में है, ऐसे भक्तों के हृदय में आप सीता लक्ष्मण के समेत आप निवास करो। शरण राम तीरथ चली जाही बसहु तिनके मन माही। हे श्री राम संसारिक क्रियाओं से विरक्त होने के बाद जो संसार के प्राणी चारों धाम की यात्रा करते हैं, चारों धाम जाते हैं, ऐसे जो संसार के लोग हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, ऐसे जो भक्त हैं, आप उनके हृदय में निवास करो। मंत्र राजनित जप ही तुम्हारा तुम्हें सहित परिवार। अपने परिवार को लेकर के समाज को जोड़ करके आपका जो नाम है राम उसका उच्चारण करते हैं, हे श्री राम आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। सदकर्मा गही एक फल राम चरण रति है तिनके मन मंदिर बसो श्री रघुनंदन। मंदिर में जो सुंदर स्थान राम लक्ष्मण सीता का जिन व्यक्तियों ने रखा है, जिनके अंदर आत्मा राम में हो गई है, तन को मंदिर समझ लिया है, राम को अपना भगवान समझ लिया है, ऐसे जो संसार के लोग हैं, आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। कहन सुनहु भानु कुल नायक आश्रम कम कहो समय सुखदायक। श्री राम ये तो बात रही संसारिक जीवन की, पर आपका कार होगा कहाँ से, मैं वो सुंदर स्थान आपको बताता हूँ जिस स्थान पर बैठ करके अपना कार्य को पूरा करें। चित्रकूट गिरी करा हो निवासा कह तुम्हारे सब भात सुभाषा प्रेम सुहावन कानन चारो करके हर मृग बिहग बिहार। हे श्री राम जो संसार के प्राणी नवीन कपड़े बनवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, इसके बाद भगवान को अर्पण करते हैं,
हे परमात्मा इन वस्त्रों को स्वीकार करो, ऐसे जो संसार के प्राणी हैं आप उनके अंदर आत्मा में निवास करो। जो संसार के लोग माता बहने भोजन बनाती हैं, इसके बाद भोग शालिग्राम को लगाती हैं, कहती है तुतियम मंद गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। भोजन करने के पहले जो संसार के लोग आपको भोग लगाते हैं, इसके बाद अपने परिवार के साथ भोजन करते हैं, हे श्री राम आप ऐसे व्यक्तियों के हृदय में निवास करो। संसार में रहने वाले, संसारिक जीवन में जीने वाले लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, घर में ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, हे श्री राम आप ऐसे भक्तों के हृदय में निवास करो। रही बात स्थान की, कुछ दूरी पर एक चित्रकूट नाम का स्थान है। चित्रकूट के घाट में भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ऐसा जो सुंदर स्थान है चित्रकूट, पावन पवित्र स्थान है, आप तीनों प्राणी जाकर के और चित्रकूट में अपना स्थान बनाए। प्रणाम गुरुदेव। जय चित्रकूट महिमा अमित कही महान गाय, आई नहाए सरित बरसिय सुमन सिय समेत दो भाई। नहाए सरित भर सिय समेत दो भाई, हे भैया लक्ष्मण ये जो चित्रकूट स्थान है ये कितना सुंदर और कितना मनोरम स्थान है। यहाँ पर जो ये नदी बह रही है अपने आप में अद्वितीय है, इसकी महिमा हम कह नहीं सकते। यहाँ के पर्वत, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पक्षी, इन सब वन में देखो, और यहाँ के जो लोग हैं वह कितने प्रेमी हैं, किस तरह से मीठी भाषा का प्रयोग करते हैं, कितनी मधुर भाषा बोलते हैं, इनकी जो भाषा है वह दिल को छू लेती है। ऐसे कोल भीलों के बीच में हम यहाँ पर कुछ दिन निवास करने के लिए आए हैं, यह परम आनंद की जगह है। भैया लक्ष्मण यह धरती में परम आनंद की जगह है, किसी का नाम चित्रकूट। हाँ भैया वाकई ये बहुत रमणीय जगह है, हम आगे की अपना वनवास यही काटेंगे।